और हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो गाड़ी के अंदर ही रह गई थी। और ये मूर्ति जो है वह ज़मीन के अंदर से निकली थी, आप देख सकते हो। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो गाइज आज हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी का 500 साल पुराना मंदिर। तो मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, तो इसको दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो गाइज आज हम आ चुके हैं गावड़ी और यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है 500 साल पुराना, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। इनको बोलते हैं कालेड़ी हनुमान जी, तो आपको कराते हैं दर्शन। तो ऐसा कुछ गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और 500 साल पुराना ये मंदिर है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है ये मंदिर। ये मंदिर कितना साल पुराना है? ये 300-400 साल पुराना। तो इस मंदिर की खासियत क्या है? है? खासियत क्या है, मतलब प्रसिद्ध प्रसिद्ध किस वजह से? ये पुराना पुराना प्रतिष्ठित मूर्ति है। अच्छा। और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और इसका इतिहास जात जरूला द्रिंडिया खूब आती हैं। 50 गांव हैं आस पास के, उन्हें मानता है इनकी। और ये मूर्ति ये स्वयं स्वयं प्रकट हुई है। वो जोशी जी ने लगवाई थी, वो लगवाई हुई दो, हाँ। और ये केवल स्वयं प्रकट हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोकुल चंद है शर्मा। ये मंदिर कौन से गांव में है? ये गांवड़ी में है। कोई आना चाहिए, कोई एड्रेस बता दो, मंदिर का कोई आना चाहे तो यहाँ पर। गांवड़ी नीम का था, तहसील नीम का था ना, और प्रन्यास है इसका, देवस्थान में मान्यता प्राप्त मंदिर। आप कितनी पीढ़ी से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? आपकी तो 7-8 पीढ़ी से। 7-8 पीढ़ी से। भाई 500 साल पहले देखिए यहाँ पर लोग बैठा करते थे। ये जो पुराना है अब तो इसमें कोई भी नहीं रहता, गाय वगैरह रहती है। और पहले 500 साल पहले देखिए ऐसा कुछ था जहाँ पर लोग रेस्ट वगैरह करते थे, कहीं दूर से आते थे तो। और ऐसी आसपास की लोकेशन है आप देख सकते हो। और ये एक बड़का पेड़ है काफ़ी बड़ा, तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जाता है मंदिर का रास्ता। तो ऐसा कुछ बनाया हुआ रास्ता देख लीजिए। और आसपास की लोकेशन कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर एक पानी का कुआं भी है और ऐसे काफ़ी बड़ी जगह है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो मूर्ति निकली है वो ज़मीन के अंदर से ही निकली थी और काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। और ये है पेड़, ये भी काफ़ी पुराना है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी का। साइड से कुछ ऐसा ये मंदिर, और ये देख लीजिए। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर। और ये मंदिर का और एक गेट, तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ से लेते हैं एंट्री हम इस मंदिर के अंदर। और ऐसा है कुछ ये मंदिर। तो चलते हैं और पहले आपको दर्शन कराते हैं बालाजी के, जो कि ज़मीन के अंदर से मूर्ति निकली थी। और ऐसा है कुछ ये मंदिर, यहाँ पर बैठने की जगह बनाई गई, यहाँ पर अगर कोई आता तो बैठ सकता है। तो चलते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त भी खड़े हैं। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं बालाजी के। तो गाइस जी यहाँ से करते हैं हम एंट्री। और ये है वो मेन मंदिर जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो दर्शन कर लीजिए। ये जो मूर्ति है ये अपना आप निकली थी ज़मीन के अंदर से, तो मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और ये है पुजारी जी, और ये मूर्ति बाद में लगाई गई है हनुमान जी की, आप देख सकते हो। और ये मूर्ति जो है वह ज़मीन के अंदर से निकली थी, आप देख सकते हो। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। और इधर एक शिव जी का मंदिर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप। ये शिव जी का मंदिर, शिवलिंग वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो भी जल चढ़ाते हैं वो इस यहाँ से बाहर चला जाता है। तो इस साइड से भी मैं आपको इनके दर्शन करा देता हूँ बालाजी के। तो गाइस इधर दुर्गा माता का मंदिर है, उनके भी आपको दर्शन करा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये है दुर्गा माता का मंदिर। और ऐसा कुछ है मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई है, तो आप देख सकते हो सारी दुर्गा माता की लगाई हुई है। यहाँ पर ये दुर्गा माता का मंदिर है। तो गाइस ऐसा है कुछ मंदिर, ऊपर से आपको देखा सकता हूँ ऐसा है। तो ऐसा है कुछ मंदिर, ये मूर्ति जो है ज़मीन के अंदर से निकली थी, देख सकते हो आप, दर्शन कर लीजिए। और ये है इन पंडित जी की पोती, और ये है इन पंडित जी के दोहते। और ये मंदिर में भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए।
तो यहाँ पर गाय जय शीतलदास जी संत, इन्होंने 60 साल तक यहाँ पर पूजा तपस्या की थी, तो इनका मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो गाय जी है शीतलदास जी संत, तो इन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर 60 साल तक, तो इनके भी दर्शन आप कर लीजिए। संत जी आप कितने साल से तपस्या कर रहे हो? मैं 14 साल से कर रहा हूँ। 14 साल से कर रहे हो। आपका शुभ नाम? जसवंत सिंह। शीतलदास जी ने कितने साल की थी? शीतलदास जी साहब जो मेरे पिताजी थे ना, उनका जन्म शीतलदास जी के टाइम में हुआ था। अच्छा। और उन्होंने ही मतलब सेवक बनाया था, मतलब उनका ही दिया हुआ था जी। जो मेरे दादा के औलाद नहीं थी, तो मेरा जो दादा था वो शीतलदास जी के पास आया था, तो उन्होंने ये बच्चा दिया मेरा पिताजी 40 साल यहाँ तपस्या की। और यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारा यहाँ का, तो देख लीजिए ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक हनुमान जी का छोटा मंदिर और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, तो चलते हैं और इनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो गाइस ये है एक मंदिर हनुमान जी का, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी मंदिर के अंदर है ये। तो गाइस जो इंसानों ने बनाई उनके द्वारा ही है, और वहाँ पर वो ज़मीन के अंदर से निकली थी। और यहाँ पर है धूणा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आप इंटरव्यू लिया बाबा जी का, उनका धूणा यहाँ पर था, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए। तो यहाँ पर होता है धूणा, अभी भी यहाँ पर धूणा हो रहा है, ये देख लीजिए। और ये पूरा मंदिर कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ है। और ये है इसका मेन रास्ता जहाँ से हम आए थे, और सामने आपको वो गेट दिखाई दे रहा होगा जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। और पूरा मंदिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप एक बार पूरा मंदिर देख लीजिए। तो गाइस इस प्रकार का है पूरा मंदिर, तो गाइस 500 साल पुराना है ये मंदिर। और इस जो मूर्ति थी वो अंदर से ही निकली थी ज़मीन की, देख लीजिए इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाइस 500 साल पुराना है मंदिर, ये मूर्ति 500 साल पहले निकली थी। और इधर कुछ इस प्रकार का ये मंदिर, यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह बनाई गई है। और ये इसका स्टोर वगैरह है जहाँ पर इन्होंने सामान वगैरह रखा है। तो गाइस ऐसा है कुछ मंदिर, और यहाँ पर हर किसी की इच्छा पूरी होती है जो सच्चे मन से यहाँ पर आके हनुमान जी के दर्शन करता है, तो ऐसा कुछ है ये मंदिर। तो गाइस आप देख सकते हो हम हनुमान जी के मंदिर में आ रखे हैं वीडियो बनाने के लिए, और हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो गाड़ी के अंदर ही रह गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इन भाई साहब ने दोनों ने ये बड़ी मुश्किल से ये पट्टी वगैरह निकाल के, ये मेहनत करके इन्होंने निकाली है, देखिए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया 500 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर, तो ये जो मंदिर है इस पर मनोकामना पूरी होती है, और ये मूर्ति जो ज़मीन के अंदर से निकल। तो गाइस मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं पुराने मंदिर के और पुराने किले के, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।